सो इसीलिए आपको हमेशा जो तीसरा वाला है इसी को आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से लग जाएगा। और अभी आप देखोगे जो प्रॉफिट है 17-18 रुपये के आसपास पहुँच गया है, इसको हम ट्रेल करेंगे। अभी ट्रेल करने के लिए नॉर्मल आपको जो भी प्राइस का ट्रेल करना है। गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस अगर आपको अपस्टॉक ऐप के जरिए चार्ट पे इंस्टेंट ट्रेडिंग करना है, इंस्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, सो आप कैसे कर सकते हो, सो सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अगर आप अपस्टॉक ऐप में चार्ट पे इंस्टेंट ट्रेडिंग करने जाओगे, सो यहाँ पर आपको ऐप में तो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कहना क्या है कि जो भी आपका मोबाइल रहेगा उसमें आपको क्रोम ब्राउजर देखने को मिल जाएगा, इसी को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर ही सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है tbupstock.com। यहाँ पे देखो tb.upstock.com कुछ इस तरीके से आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सीधा लॉगिन करने के लिए लेके आ जाएगा। और बाकी इस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में जो बेल आइकन रहेगा उसको भी आपको प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी नए नए वीडियो रहेंगे आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाना है वेबसाइट पर। अभी आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा रजिस्टर्ड, यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। अभी गाइस आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अभी यहाँ पर आपको पिन डालने के लिए बोलेगा। जो भी आपका पिन रहेगा यहाँ पर आपको एंटर कर देना है लॉगिन करने के लिए। पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे मैंने कोई भी डेस्कटॉप साइट वगैरह ओपन नहीं किया है, नॉर्मली यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। और बाकी इस अगर आपको डेस्कटॉप साइट ओपन करना है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हो। फिर क्या रहेगा कि जो डेस्कटॉप साइट ओपन करती है जो भी आपका PC मोबाइल रहेगा PC की तरह काम करने लगेगा। सो फिलहाल यहाँ पे मोबाइल में छोटा स्क्रीन रहता है, सो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मली चार्ट को देखेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे ऊपर tb.upstock.com वेबसाइट ओपन हो गया है, और यहाँ पे हमने अपस्टॉक की चार्ट पे आ गए अभी सीधा। और यहाँ पे हम इजीली फिर चार्ट पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट तरीके से। अभी गाइस ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ऊपर जो भी सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है चार्ट सेटिंग में, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टेंट ट्रेडिंग करना है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इस तरीके से, यहीं पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ही, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और यहीं पे आपको चार्ट सेटिंग पूरा देखने को मिल जाएगा। सो नीचे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सेटिंग देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपका जो भी सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट का, इसी को आपको ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करोगे इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे ओके पे क्लिक करना है, और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे हम ईजिली इंस्टेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बाकी गाइस अगर आपको लेआउट वगैरह करना है तो यहाँ पे लेआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर ही आपको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आप डबल लेआउट कर सकते हो, ज़्यादा लेआउट कर सकते हो, आपको जो भी करना रहेगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊँ तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला लेआउट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि एक ऊपर यहाँ पर मैं मेन इंडेक्स का चार्ट रख सकता हूँ, और नीचे यहाँ पर मैं किसी भी ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लूँगा सिलेक्ट, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस इस लाइव प्रोसेस के लिए आपको एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को। अभी गाइस यहाँ पे मैं डेमो के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, सो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस नीचे वाले लेआउट में एक कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ जस्ट एक डेमो के लिए। और बाकी जो भी वीडियो रहता है फुल डेमो पर्पज़ के हिसाब से ही रहता है, कोई भी यहाँ पे बाइंग प्रॉफिट वगैरह के लिए नहीं रहता है, जस्ट आपको दिखाना रहता है कि आप कैसे कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे देखो मैंने जो भी नीचे वाला लेआउट इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे आप सिलेक्ट कर लिए तो इस तरीके से बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो बॉर्डर देखने को मिल रहा है, और बाकी इस यहाँ पर आपको ऊपर ही जो भी टाइम फ्रेम वगैरह देखने को मिलता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और जो इंडिकेटर रहता है, जैसे आप FX पे क्लिक करोगे यहाँ से आप इंडिकेटर को भी चेंज वगैरह कर सकते हो, इंडिकेटर लगा सकते हो अपनी चार्ट में। सो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अभी गाइस यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और सीधा यहाँ पे मैं चलूँगा सीधा सर्च करने के लिए। सो ऊपर जो निफ्टी बैंक आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको जिस भी कॉल ऑप्शन में पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना रहेगा उसको आपको सर्च कर लेना है। ओके गाइस यहाँ पे मैं 52,800 का कॉल ऑप्शन सर्च करूँगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको सभी नीचे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो CEP करके आ रहा है। सो आपको जिसमें भी ट्रेडिंग करना रहेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस मार्केट जब ऊपर जाता है तब यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तब यहाँ पर हम पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और इस तरीके से यहाँ पे देखोगे जो कॉल ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे ओपन होके आ गया है।
कितना प्रीमियम चालू है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको और भी अच्छे से दिखाने के लिए एक ही लेआउट कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे जो डबल लेआउट का ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सिंगल ही लेआउट कर लेता हूँ। अभी गाइस यहाँ पे देखोगे दोबारा से जो मेन इंडेक्स है इसी का चार्ट रह गया है। सो चलिए यहाँ पे हम दोबारा से सर्च करेंगे। सो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 52,800 का कॉल ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके सो यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और गाइस यहाँ पे हमने इंस्टेंट ऑर्डर को ऑन कर लिया है। सो इंस्टेंट ऑर्डर में क्या रहता है कि आपको देखोगे बीच में आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाता है कि आपको कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है। सो यहाँ से जो क्वांटिटी है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैपिटल के हिसाब से आप कर सकते हो। सो फिलहाल यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक ही लॉट को रहने देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी इस बाय करने के लिए नॉर्मल यहाँ पर जो भी बाय वाला ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पर हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डोंट अस्क अगेन पर क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से यहाँ पर आपको फिर दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। सो आपको कहना क्या है, थोड़ा सा चेंजेस कर देना है। जो भी साइड में ड्राइंग टूल देखने को मिल रहा है इसको आपको हाइड कर देना है। हाइड कैसे करोगे, सो यहाँ पे आपको नीचे एक एरो देखने को मिलता है छोटा सा, इसी एरो पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे हाइड हो जाएगा और फिर आपको ईजिली यहाँ पे चार्ट पे प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएगा कि कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। अभी गाइस यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि आप यहाँ पे इंस्टेंट स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह कैसे लगा सकते हो। सो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। सो आपको जो भी प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए 9 प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना है, सो इस पर मैं क्लिक करके रखूँगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको हमेशा जो भी तीसरा वाला ऑप्शन है इसी को आपको सिलेक्ट करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक क्लिक में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, चार्ट भी कुछ इस तरीके से इंस्टेंट लग जाएगा। और बाकी गाइस अगर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो भी स्टॉप लॉस इस पर मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से यहाँ पर आपको नीचे एक डॉट देखने को मिल जाएगा साइड में, यानी जो स्टॉप लॉस है इसको अभी हम ड्रैग कर सकते हैं। सो जैसे आप इसको ड्रैग करोगे इस तरीके से, ऊपर वाले को आपको ड्रैग करना है इस तरीके से जो भी ऊपर वाला है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऐसे यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। और साथ में जो नीचे वाला है इसको भी आपको ट्रेल करते जाना है ताकि जो स्टॉप लॉस आपका सही से वर्क करे और जब रिवर्स में आए प्राइस तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सही काम करना चाहिए। सो इस तरीके से आप दोनों प्राइस को ऊपर ट्रेल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे पूरा इंस्टेंट हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे मैंने आपको मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले टाइम मुझे एक कमेंट आया था कि आपने लैपटॉप में ही दिखाया, थोड़ा सा उसमें एडिट कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको मोबाइल में ही दिखा रहा था और अभी भी मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये तो गया स्टॉप लॉस की। अभी टारगेट की बात करें तो सबसे पहले जो स्टॉप लॉस है इसको मैं कैंसिल करूँगा यहाँ पर मैं क्रॉस वाले सिंबल पर क्लिक करके, और अभी मुझे टारगेट लगाना है। सो जो भी प्राइस का टारगेट लगाना रहेगा आपको उस प्राइस पे आ जाना है, इस तरीके से क्लिक करके रखना है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। अभी इस टारगेट लगाने के लिए आप हमेशा जो भी सेल लिमिट वाला ऑप्शन है पहला वाला, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। सो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे इस तरीके से यहाँ पर आपका टारगेट भी लग जाएगा जो भी प्राइस का आप लगाओगे। और बाकी जो टारगेट है इसको अगर आपको ट्रेल करना है मॉडिफाई करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको डॉट देखने को मिलेगा, इसी डॉट को आप इस तरीके से फिर यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे। अगर आपको और ज़्यादा ऊपर प्राइस का टारगेट लगाने इस तरीके से आप ऊपर भी कर सकते हो, और अगर आपको नीचे का आना है तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हो एक डॉट आ जाता है रेड डॉट, अभी इसको आप इजीली फिर ड्रैग कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ सो यहाँ पे डॉट आ गया है, इसको भी यहाँ पे मैं इजीली ट्रेल कर सकता हूँ। सो गाइस आप इस तरीके से अपने मोबाइल में भी अपस्टॉक में इंस्टेंट ट्रेडिंग कर सकते हो चार्ट पे, जो कि गाइस यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस में बता दिया है। और गाइस अभी यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस इसको मैं बाइंग प्राइस के ऊपर भी आपको ट्रेल करके दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले जो टारगेट ऑर्डर इसको मैं कैंसिल करूँगा, और कैंसिल करने के लिए जो भी क्रॉस वाला सिंबल आता है जैसे आप उस पर क्लिक करते हो सो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाऊंगा, सो यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। और गाइस अगर आप सेकंड वाले यूज करोगे सो आपका यहाँ पे टारगेट जो भी स्टॉप लॉस है नहीं लगेगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। सो इसीलिए आपको हमेशा जो तीसरा वाला है इसी को आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से लग जाएगा। और अभी आप देखोगे जो प्रॉफिट है 17-18 रुपये के आसपास पहुँच गया है, इसको हम ट्रेल करेंगे। अभी ट्रेल करने के लिए नॉर्मल आपको जो भी प्राइस का ट्रेल करना है इस तरीके से गाइस आप ट्रेल कर सकते हो, नीचे वाले को भी आपको साथ में लेके चलना है। इसको गाइस अभी मैं और ऊपर ट्रेल करूंगा। ओके सो गाइस यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने इसको ट्रेल किया थोड़ा सा मार्केट रिवर्स आया और यहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हिट हो गया है। बट यहाँ पे मुझे आपको लाइव दिखाना था, सब कुछ मैंने आपको लाइव दिखा दिया है।
और बाकी अगर आपको यहीं पे प्रॉफिट वगैरह देखना है तो यहाँ पर देखोगे एक डॉलर जैसा सिंबल आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूरा अकाउंट मैनेजर देखने को मिल जाएगा, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है सो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर क्लोज पोजिशन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, सो देख सकते हो इसमें यहाँ पर हमारा 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बुक, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो पोजिशन क्लोज हो गया है। तो गाइस आप इसी तरीके से अपस्टॉक ऐप के जरिए भी आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हो अपने मोबाइल में। सब कुछ मैंने आपको मोबाइल में दिखा दिया है, और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।